Hello friends, welcome to our channel. My name is Anuj Rawat. Today I am going to tell you about the concept of physics. Physics hum padhte kyun hain? Iske bare mein hum detail discuss karenge. What are the applications of physics? Use ye sab hum abhi detail mein discuss karenge. So nature mein aapne phenomena dekhe honge, jaise rainbow formation hona, volcano eruption hona, rainy season, surrounding ka temperature increase hona, टेम्परेचर कम होना, विंटर सीजन में टेम्परेचर कम हो जाता है, ये सब जो भी फॉर्मेशन होते हैं, जो भी आपके फिनोमिनन्स होते हैं नेचर के, वो हम उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे. सो यूनिवर्स में जो भी इवेंट्स होते हैं, दैट इज़ विच वी कैन सी, जैसे आप लोग मुझे देख सकते हो इस कैमरे के द्वारा, वैसे ही कुछ इवेंट्स होते हैं विच वी कांट सी, जैसे केवल उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक करंट, यू कैन फील ओनली, यू कैन एक्सपीरियंस ओनली. सो नेचर में कई तरह के ऐसे इवेंट्स पॉसिबल हैं जिसकी हम स्टडी करेंगे. तो फिजिक्स के हम डेफिनेशन देखेंगे. अब फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस that studies matter, its motion and behavior through space time. What is the meaning of this? Physics is the natural science that studies the matter, its motion and behavior through space and time. अगर इसको समझें, matter क्या होता है? Universe में कोई भी body हो, उसका कुछ mass होता है. Let's say कोई body A, इसका कुछ mass है m. अब ये अगर किसी velocity से किसी distance तक ये travel करेगी, so यहाँ पर जो भी ये मोशन होगा, इसकी जो स्टडी होगी, दैट कंसर्न्स अबाउट द फिजिक्स. अब इसमें जो मोशन होगा वो कौन करवाएगा? ये बॉडी है, एक बॉडी है, बॉल ले ली, चलो ये बॉल ले ली हमने. इस बॉल को अगर किसी डिस्टेंस तक हमें ट्रेवल करवाना है सर्टन वेलोसिटी, तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी होगी. तो दैट फोर्स ऑल्सो शोज द बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम. अब स्पेस और टाइम को अगर समझें, तो स्पेस क्या होगा? अब ये बॉडी ट्रेवल करेगी, आइदर ये एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेगी और वाई एक्सिस में ट्रेवल करेगी, और ये दोनों एक्सिस में ट्रेवल कर सकती है, इन दोनों प्लेन में ट्रेवल कर सकती है. तो ये हो जाएगा आपका स्पेस, जो आपको इंडिकेट करे लोकेशन. और टाइम, लेट्स से टी इज इक्वल टू जीरो पे के ए पॉइंट पे था, अब t इज इक्वल टू टी वन पर बी पॉइंट पे आ गया. तो स्पेस और टाइम दोनों का इन्वॉल्वमेंट, और किस चीज का हम देख रहे हैं? मैटर का. दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स. मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ फिजिक्स, जनरली फिजिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज क्लासिकल, second one is modern, third one is theory of relativity. जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, इट इज एन एरा ऑफ सर आइजैक न्यूटन, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल थ्योरी पढ़ी थी, जैसे एप्पल का फॉल होना. सो दिस इज एन एरा ऑफ आइजैक न्यूटन. Faraday's law, Faraday's, so famous scientists were there. So this theory given around from 1600 to 1800 century. So अब हम बात करें क्लासिकल में हम क्या क्या देखेंगे, और मॉडर्न फिजिक्स में हम इसकी स्टडी हुई है रिसेंटली, जो आपकी होती है 1800 से टिल नाउ.
जितनी भी रीसेंट टेक्नोलॉजी है, बोथ मॉडर्न थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पर हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेट्स हैव डिटेल डिस्कशन ऑन क्लासिकल फिजिक्स। सो क्लासिकल फिजिक्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर पार्ट्स, इन विच इन फर्स्ट पार्ट वी हैव सीन मैकेनिक्स, जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड पार्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फोर्थ पार्ट इज ऑप्टिक्स। फ्रॉम क्लास 9 टू टिल ग्रेजुएशन आप मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स इसका फ्रीक्वेंट यूज देखेंगे। क्लास 9th में मैकेनिक्स में थोड़ा बहुत दिया, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन, फोर्सेस, इसमें यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन हुआ ब्रीफ में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपके क्लास 12th और ऑप्टिक्स भी आपके क्लास 12th में 10th में आपको ब्रीफ दिया हुआ है। बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे मेनली, वो आपका होगा क्लास 11 से, जो कि मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में, मोशन इन वन डायमेंशनल, मोशन इन टू डायमेंशनल, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। जैसे कोई एक बॉल को हम अगर रोल करते हैं तो वो होगा आपका मोशन इन वन डायमेंशन। किसी बॉल को हम थ्रो करते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो होगा आपका मोशन इन टू डायमेंशन। तो इसको हम अगर देखें तो वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि ये जो मोशन हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कहां से ये मोशन हुआ, कोई फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, यहां पे कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज हुई, तो वो होगा आपका फोर्सेस में। यहाँ पे हम लॉस पढ़ेंगे, न्यूटन के लॉस पढ़ेंगे, वे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सर आइजैक न्यूटन ने दिए हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ तो सभी को पता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ थर्ड हम पढ़ेंगे मोशन, फोर्स, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और इसको हम ट्रैक्शन भी बोलते हैं। फ्रिक्शन तो एग्जांपल लें, अगर कोई बॉडी, मैं इस सरफेस, प्लेन सरफेस में, ग्राउंड से मैं चल सकता हूं बिकॉज ऑफ ओनली फ्रिक्शन, ठीक है, अपोजिंग फोर्सेस होती है जो एक्ट करती है बॉडी में, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रन। फोर्थ वन, इन तीनों को अगर मिला दें तो हमने इस फोर्स को एक्ट करने में जो वर्क लगाया, अब वो चीज हम पढ़ेंगे वर्क डन में, वर्क डन, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट ऑल कवर्स हियर। फिर हम पढ़ेंगे साउंड, साउंड वेव, तो ये सब चीजें हमारा कवर करेगा मैकेनिक्स में। सेकेंड आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द टेम्परेचर, किसी भी बॉडी को हीट करने पर क्या इफेक्ट होता है, तो वो सब हमारे पास आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। इसमें हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी बॉडी में, कोई बॉडी को हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बॉन्डिंग टूटेगी क्या होगा, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका थर्मोडायनेमिक्स में इंजन, इंजन कैसे वर्क करता है, इसकी डिटेल हम स्टडी पढ़ेंगे, डिटेल में हम इसको देखेंगे। देन रेफ्रिजरेटर,
तो ये किसके पार्ट हो गए? थर्मोडायनेमिक्स के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ से स्टार्टिंग होगी क्लास 12 में। डिटेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। 50% ऑफ 50-60% जो सिलेबस होगा 12th में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर हम बात करें तो चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज अगर मोशन करने लग जाए देन करंट फ्लो करने लग जाए, तो यहां पे हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एसी डीसी, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज डायरेक्ट करंट। आफ्टर दैट मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, देन विद द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्शन। आफ्टर दैट हम मूव ऑन करेंगे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में हमारे पास होगा मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, लेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिज्म, ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पे वेव्स का काफी कुछ है, क्लास 12 में हम वेव्स के बारे में डिटेल में करेंगे। सो दिस इज द जनरल लेआउट ऑफ आवर फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स ओनली। अब हम सेकेंड पार्ट में जाएंगे, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स सेकेंड टाइप्स। हियर वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट नेम अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज डिस्कवर्ड द क्वांटम थ्योरी। यहां से क्वांटम थ्योरी स्टार्ट होती है। क्वांटम थ्योरी जनरली यूनिवर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट इज मॉलिक्यूल्स, आपका एटम, इलेक्ट्रॉन, इन सबकी स्टडी जो क्वांटम थ्योरी ने दी है, इन सबकी स्टडी दी हुई है। सो ये काफी छोटा होता है। आपने फिजिकल वर्ल्ड में आपने अभी तक इलेक्ट्रॉन को इससे डिनोट किया होगा, है ना, पर जो क्वांटम थ्योरी है ये एक वेव्स के फॉर्म में रहती है। इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट करती है, वन इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट करता है आपका, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, वेव फंक्शन, सॉरी, इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। तो एवरी इलेक्ट्रॉन उसका जो बिहेवियर है हम किस में देखते हैं? वेव फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं। सो इट्स अ टोटली मैथमेटिकल थिंग, इसमें हम एनालिसिस करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द दिस क्वांटम थ्योरी। अब इस इलेक्ट्रॉन की थ्योरी हमने करी है, तो यहाँ पे हम एक्सरे के बारे में भी पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, और एक और जो मॉडर्न फिजिक्स से कन्वर्ट हुआ है टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न फिजिक्स से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई बाय यूजिंग दिस सिलिकॉन वेफर। जो आपके मोबाइल फोन पहले आते थे वो काफी यूज होते थे, अब क्या हो गए हैं, सारे कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। तो उसी तरह से आपके पास मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स से टेक्नोलॉजी में आने में अराउंड 100-150 इयर्स लग गए। टिल नाउ यू कैन गेट ऑल दिस डिवाइसेस वेरी इजी।
और कॉम्पैक्ट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एलईडी टीवी, ये सब आपका आएगा मॉडर्न फिजिक्स में। तो क्वांटम थ्योरी जो डिस्कवर करी थी वो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्हीं ने एक तीसरी थ्योरी दी है, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप्स ऑफ फिजिक्स, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द फेमस साइंटिस्ट नेम एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज डिस्कवर्ड दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक तो क्वांटम थ्योरी दी थी और सेकेंड इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो कि डील्स करती है हमारी मैटर और एनर्जी में। आपने बहुत फेमस एक्सप्रेशन देखा होगा E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। इसी के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज एनर्जी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और C इज द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट। यही थ्योरी इन्होंने डिस्क्राइब करी, दो थ्योरी, एक होती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो सेकेंड थ्योरी दी है दैट इज स्पेशल थ्योरी। सेकेंड जो थ्योरी दी थी वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी देखते हैं ये क्या है, जनरल थ्योरी क्या है, स्पेस क्या है। जनरल थ्योरी जनरली जो उन्होंने थ्योरी दी थी दैट इज अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या थी, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स, आप ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, ये क्या होता है कि लेट्स से ये अर्थ सरफेस है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां पर कोई टाइम ऑब्जर्व करेगा और एक दूसरा है आपका ऑर्बिट, ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट, तो यहां पर क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे सबसे ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा, तो यहां पर जो टाइम जो चलेगा दैट इज दैट रन स्लोअर एज कंपेयर टू जो यहां पर ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं हम यहां पे, और यहां पे आप टाइम ऑब्जर्व करो तो जो दोनों का टाइम डिफरेंस होगा दैट इज दिस ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन। तो टाइम विल रन स्लोअर इन केस व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम। ओके, थैंक यू सो मच।